बिहार के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बिहार की सियासत को समझना इतना आसान भी नहीं। देश का ये एक ऐसा राज्य है जिसने इतिहास में केंद्र में बैठी सरकार का जेपी आंदोलन के जरिए तख्ता पलट कर दिया था। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की सियासत कैसी है। बिहार में दो प्रमुख सियासी खेमे हैं, एक महागठबंधन तो दूसरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि दोनों ही खेमे के प्रमुख दल यानी एनडीए की बीजेपी और महागठबंधन की आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं होता। दरअसल इन दोनों ही खेमों में इस बात को लेकर हमेशा रस्साकस्सी भी चलती रहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके खेमे में आ जाएं और बिहार की कमान संभालें। दरअसल बिहार में सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पाले में होते हैं उसी की सरकार बनती है। यह अचंभा इसलिए है कि जिस जाति से वे आते हैं उनकी आबादी बिहार में बमुश्किल 4% ही है। आखिर क्या कारण है जो वह बिहार की सियासत को संतुलित करते हैं। बात फैक्ट्स की करें तो 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू लालू यादव के आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी थी। इसमें बीजेपी 24.42% वोटों के साथ 53 सीटें ही जीत सकी थी। तब राष्ट्रीय जनता दल 80 सीटों के साथ बड़ी पार्टी रही थी और जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें मिली थी, यानी सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथ में रही। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने एक बार फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, जो एनडीए के लिए जबरदस्त जीत लेकर आई। इस चुनाव में बिहार की लोकसभा की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया था। एनडीए को 53.3% वोट मिले, जबकि अकेले बीजेपी को 23.6%। यही स्थिति आरजेडी के साथ भी रहती है। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के साथ थी तो उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 80 सीटें झटक ली, यानी 80% नंबर के साथ पास हुई और सूबे की नंबर वन पार्टी बनी। महागठबंधन ने 46% वोट हासिल किए थे, लेकिन जेडीयू के हटते ही हालात ये हो गई कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के 5 दलों के साथ भी वह 0 पर सिमट गई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल मिलाकर 53.3% वोट मिले। इनमें बीजेपी को 23.6%, जेडीयू को 21.8%, एलजेपी को 7.9% वोटरों का समर्थन मिला। वहीं आरजेडी को 15.4% और कांग्रेस को 7.7% वोट मिले। इससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे तो क्या नतीजे रहे थे। ऐसे में वोट शेयर पर गौर करें तो बीजेपी को 29.9, आरजेडी को 20.5 और जेडीयू को 16, कांग्रेस को 8.6, एलजेपी को 6.5% मत मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो उसने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के साथ लड़ी एलजेपी ने 7 में से 6 पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी के साथ लड़ी कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटों पर ही जीत मिली। वहीं 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी महज 4 सीट पर ही जीत सकी, जबकि अकेले 38 सीटों पर चुनाव लड़ी जेडीयू के हिस्से सिर्फ 2 ही सीटें आईं। जाहिर है इतने कम वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार खुद एक राजनीतिक ताकत तो नहीं हो सकते, लेकिन उनका साथ चाहे वो बीजेपी के साथ हो या फिर आरजेडी के साथ, उसे निर्णायक बढ़त दिलाने में दम रखते हैं। दरअसल जातिगत गठजोड़ में नीतीश कुमार ने अपने लिए 10% का फार्मूला सेट कर लिया है, जिसके इधर से उधर होने की स्थिति में सियासी बैलेंस भी उसी अनुकूल हो जाता है। दरअसल बीजेपी और आरजेडी का अपना वोट बैंक है स्वर्ण जाति यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ के कुल वोट 17.2% है, और अगर 7.1% वैश्य वोटर जोड़ दिए जाएं तो यह 24.3% हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में यह वोट बैंक स्थिर नजर आता है। वहीं आरजेडी के पास MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण है, 14.4% यादव और 14.7% मुस्लिम मिलकर 29.1% हो जाता है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिले वोट परसेंट बताते हैं कि आरजेडी के आधार वोट में भी सेंध लग चुकी है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह आमतौर पर पिछड़ा, अति पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यह केवल 21.1% है। यह वोट बैंक में भी छोटे बड़े हिस्सों में बंटता है। दलित और महादलित मिलाकर 14.2%, कुर्मी 5%, कोयरी 6.4%, आदिवासी 1.5% और अन्य जातियां 19.6% हैं। हालांकि नीतीश कुमार को जिन 2 जातियों का पक्का वोट मिलता है उनमें कुर्मी और कोयरी के करीब 11.5% वोट बनते हैं। इनमें से 8 से 10% वोट उन्हें पक्के तौर पर मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वर्णों में ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2%, भूमिहार 4.7%,
कायस्थ 1.5% और बनिया 7.1% में से कुछ हिस्सा नीतीश कुमार को मिलता है। यही कारण है कि आरजेडी और बीजेपी के मजबूत वोट बैंक के होते हुए भी नीतीश कुमार ऐसा सियासी संतुलन बनाते हैं कि वह जिस ओर भी चले जाएं, वोटों के समीकरण के लिहाज से जीत हार का कारण बन जाता है। जाहिर है यही वजह है कि मोटे तौर पर 15 साल से लगातार वे सत्ता में हैं।